नमस्कार दोस्तों, गुप्त रूप से करें ये 10 काम, हर काम में मिलेगी सफलता। दोस्तों यह बात सच है कि जो मेहनत करता है सफलता उसके ही कदम चूमती है, पर कई बार लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी वो सफलता हासिल नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद असफलताओं का सामना करना पड़ता है तो व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ज्योतिष में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो हमारी असफलता को सफलता में बदल देंगे। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर एक, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा उपाय भी किए होंगे लेकिन आपको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, तो आप बुधवार के दिन गणेश जी की सफ़ेद रंग की मूर्ति को स्थापित करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नंबर दो, प्रतिदिन पूजा के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें और पूजन के बाद जल के छींटे पूरे घर में लगाएं। इससे सुख शांति बनी रहती है। नंबर तीन, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पूजा जरूर करें, ऐसा करने से आपके हर काम सिद्ध होंगे। नंबर चार, किसी भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए घर से निकलते समय तुलसी के पत्ते खाकर निकलें, इससे आपके काम में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। नंबर पाँच, दोस्तों अगर कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता आपको नहीं बल्कि किसी और को मिल रही है तो पंचमुखी हनुमान की पूजा जरूर करें। पूजा में एक नारियल पर मौली को लपेट लें और फिर चावल, सिंदूर और पुष्प आदि हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से सफलता जरूर मिलती है। नंबर छः, घर में पूजा के समय हमेशा कपूर और लौंग जलाया जाए तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। नंबर सात, किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर जाएं तो उसे सबसे पहले अपना दाहिना पैर बाहर निकालना चाहिए। दाहिना पैर शुभ माना जाता है और इससे कार्य के सफल होने की संभावना अधिक होती है। नंबर आठ, पंचमुखी दीपक को गाय के घी में ही जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। इसके अलावा घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। नंबर नौ, एक नारियल के ऊपर संदूर से तिलक करें और उसे साथ लेकर अपने कार्य पर जाएं और जब कार्य सफल हो जाए तो इस नारियल को गणेश जी के मंदिर में स्थापित कर दें। नंबर दस, रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करें और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा रोज सुबह करने से सफलता मिलती है। तो दोस्तों यह थे वो 10 काम जिनको करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।